और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्रालय ने हिंसा की रिपोर्ट तलब की है। सीए को लेकर के हुई हिंसा की रिपोर्ट तलब की गई है, एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गृह मंत्रालय ने हिंसा की रिपोर्ट तलब की है। आपको बता दें कि पूरे देश भर में ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी, लखनऊ से तस्वीरें हैं जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उग्र आंदोलन यहां पर किया गया था, विरोध प्रदर्शनों पर अब रिपोर्ट तलब की गई है, सुरक्षा इंतजामों को पुख्ता रखने के आदेश दिए गए हैं। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जुम्मे की नमाज बाद हिंसा हो सकती है, सूत्रों के हवाले से खबर है, आज हिंसा को बढ़ावा मिल सकता है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, ये पुख्ता खबर नहीं है। हिंसा में शामिल लोगों को जानकारी नहीं है, एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि जो लोग हिंसा में शामिल हुए उनको सीए के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए। लेकिन रिपोर्ट सामने आई है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो प्रदर्शनकारी इस उग्र आंदोलन में शामिल हुए उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सीमाब जुड़ गए हैं। सीमाब, क्या कुछ जानकारी आपके पास, यहाँ पर रिपोर्ट तलब की गई है? देखिए, आज गृह मंत्रालय ने जो है एडवाइजरी जारी की है। आज दरअसल जुमे का दिन है और बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने के लिए जुमे की निकलते हैं। ऐसे में दो बड़ी मस्जिदों में नमाज होती है, एक आसिफी मस्जिद जो कि बड़े इमामबाड़े में है, वहाँ पे शिया समुदाय के लोग नमाज अदा करते हैं, और टीले वाली मस्जिद में जुमे की नमाज सुन्नी समुदाय के लोग अदा करते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में फोर्स तैनात किया गया है दोनों जगहों पे, और साथ ही साथ उन मोहल्लों में जहां पे कल पथराव हुआ था, खदरा हुआ या हुसैनाबाद हुआ, इन जगहों पे जो है वो फोर्स पूरी तरह से मुस्तैद है कि किसी तरह की आज अनहोनी ना होने पाए, क्योंकि कल रात से ही इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी हैं सरकार ने कि कोई भी अफवाह ना फैलाई जा सके। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब स्थिति नियंत्रण में है पुलिस के पूरी तरह से, और अब स्थितियां बिगड़ने ना पाए दोबारा से, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज फोर्स तैनात कर दिया गया है, और जुमे की नमाज जो अदा करने वाले लोग हैं उनका भी खास ख्याल रखा जाएगा। कई स्थानों पे फोर्स तैनात है, बालागंज चौराहे से लेके और आपके खदरा तक एक बड़ा एरिया है, और हर जगह पे हर पॉइंट पे पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, आने जाने वालों पे निगाह रखी जाएगी, और साथ ही साथ इस बात को भी देखा जाएगा। सीमा, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि लखनऊ में एक उग्र आंदोलन देखने को मिला था, तस्वीरें ये कल की हैं, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक बड़ी संख्या में यहां पर उपद्रवी इकट्ठा हुए थे, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया था।